भोटा राधा स्वामी कोविड-19 हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव के लगभग 30 मरीज हो चुके हैं। इसकी पुष्टि कोविड-19 सेंटर के प्रभारी अनिल वर्मा ने की है। वहीं कल भी भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल से 2 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले भी भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल में भोरंज बस्सी के जिला परिषद पवन चंदेल की अध्यक्षता में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था कि भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल कोविड-19 हॉस्पिटल किसी और जगह शिफ्ट किया जाए और राधा स्वामी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ओपीडी चालू की जाए ताकि 3 जिले के लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। वहीं कोरोना का पीरियड इतना लंबा चलेगा इसका प्रशासन को पता नहीं था। इस हॉस्पिटल में मरीजों को दवाइयां और खाना मुफ्त मिलता था और रोजाना लगभग 700 से 800 की ओपीडी होती थी, जिसमें अमीर व गरीब को एक समान सुविधाएं मिलती थी। वहीं जिला परिषद भोरंज पवन की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल सोमवार के दिन शिमला में जयराम ठाकुर से मिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल में जल्द लोगों के सहूलियत के लिए ओपीडी चालू कर दी जाएगी। वहीं भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल के प्रशासक डॉक्टर बेलीराम का कहना है कि भोटा राधा स्वामी हॉस्पिटल को जब से कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है लगभग 6 माह का वक्त हो चुका है। हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, जिनमें एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, आंखें चेक करने वाली मशीनें, कहीं ये खराब ना हो जाएं।